हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये करने वाले हैं हम, देखेंगे कि वो सेक्सुअली आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स को देखेंगे हम, देखेंगे कि क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स और सेक्सुअली वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं हम, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं और सेक्सुअली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स, एंसेस्टर्स गाइड करें। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंजाइटी का कार्ड, अप्रिशिएशन, कॉर्नकोपिया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी, ठीक है। और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, देखते हैं कि क्या है इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए, गाइड करें। हिडन फीलिंग्स क्या हैं? प्रेयर, अबंडेंस, पैशन, फेथ। बॉटम ऑफ द डेक इंस्टिंक्ट का कार्ड है। ओके, सो एक ही बार कार्ड निकाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, उसके बाद भी कार्ड निकालूँगी मैं, बट अभी ये निकालती हूँ। जस्टिस, किंग ऑफ, ये ऐसे कार्ड गिर गया था तो मैं सोच रही हूँ कि ना लूँ, कार्ड वो निकालने में वो हो जाता है ना, तो उसके दौरान गिरा था एकदम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, या मेरे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं और ये जो है आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोचते रहते हैं? तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर का अभी जो है फ़िलहाल दिमाग है ख़राब, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, इनको कहीं ना कहीं जो इनके मंसूबे हैं वो आपके साथ पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी कि आपके साथ ये पर्सन बहुत टाइम ऐसा हो गया, जो लोग इंटीमेट हुए हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग, एक मिनट, बारिश आ गई। ओके, सो बारिश आ गया था नहीं, अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, काफ़ी मुश्किल में हैं। देखिए, आपके पार्टनर एक तो आपकी तरफ सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आप जब उनको इग्नोर करते होंगे, जब भी वो आपके साथ सेक्सुअली बात करने की कोशिश करते होंगे ना, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करते होंगे, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि शैतानियाँ है ना, तो आप थोड़ी सी शैतानियाँ करते होंगे यहाँ पर, तो आपके पार्टनर को आ जाता है गुस्सा। फिलहाल ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इनकी एनर्जी के अनुसार, आपकी एनर्जी के अनुसार से थोड़ा सा मुझे ऐसी फीलिंग्स या ऐसे इमोशंस दिख रहे हैं कि मतलब एक होता है ना कि प्रॉब्लमैटिक है ना, तो वो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर और आपके साथ। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके साथ जो अपना एक जो रिलेशन है ये बेहतरीन रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, आपकी बातें हो भी रही हैं तो हल्की फुल्की, बस हाँ क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, ठीक हो कि नहीं हो, है ना, ऐसे बातें। और अगर बातें नहीं हो रही हैं तो भी ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और में, किसी और के पास जा भी रहे हैं अपनी सिर्फ इंटीमेसी की भावना को, है ना, इंटीमेट होने के लिए, तो बस यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, उनको नहीं जाना है। मतलब जाते जाते उनके कदम रुक जा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे जो अट्रैक्शन इनको मिला है, आपसे जो चाहत इनको मिली है, आपके साथ जो ये पर्सन समय गुजार चुके हैं, है ना, जो एहसास कर चुके हैं, वो एहसास इनको दोबारा किसी से नहीं मिलेगा, इनको फील हो रहा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए एक, तो होता है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ज़िंदगी में तो हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहते हैं, तो क्या हम ये नहीं करेंगे, है ना। आपके पार्टनर की थिंकिंग ऐसी है, आपके पार्टनर काफ़ी हाई लेवल वाला ड्रीम देखते हैं यहाँ पे, मतलब उनकी फैंटेसी काफ़ी ज़्यादा है अबाउट सेक्सुअल रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा पैशन है इनको आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अंदर से एक होता ना कि मतलब आपके आपसे मिले, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे मिले तो कम से कम सेक्सुअल रिलेशन तो होना ही चाहिए आपके पार्टनर का आपके साथ, ठीक। इनकी ऐसी ज़िद होती है, ऐसा रहता है इनका, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट हैं आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्शन होता है इनको, देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, अट्रैक्शन बहुत होता है आपको देख करके, इनका इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा आप इनको मना कर देते हो तो इनका ये हाल होता है ना। तो इनकी हिडन फीलिंग्स है कि नहीं प्यार है, ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लाइफ का एक हिस्सा है ये, और इस हिस्से के बिना जो है ज़िंदगी अधूरी है, इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से इनके दोस्त वगैरह भी बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इनके दोस्त वगैरह भी बात करते हैं इनसे कि ऐसे है वैसा है, ठीक है, ये बातें करते हैं, बट यहाँ पे ये पर्सन आपके जो है यहाँ पे शांत रहते हैं, यहाँ पे ये पर्सन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, इनके दोस्त लोग बातें करते हैं तो इनका भी मन करने लगता है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने करियर में बिजी कितना भी रहे, बट याद आपको आपकी आती है, और ख़ास तौर पे जब ऐसी वैसी वीडियोस देखते हैं ये, तो इनको आपके बारे में मतलब फीलिंग आने लगता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आप जब इनसे रूठ गए हो, अभी आप हालांकि बात नहीं भी कर रहे हो, तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, मुझे बातें करनी चाहिए, यहाँ पे प्रे करते हुए दिख रहे हैं, किसी ना किसी बहाने बातें हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो है ना ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ये आगे बढ़ सके, आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ सके, आप दोनों की एनर्जी आगे बढ़ सके, आप दोनों एक दूसरे को फील कर सको, ठीक। तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे ये फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है, इसमें एक होता है ना कि आपके पार्टनर आपको, ठीक है, आपको जब भी मिले होंगे या आपके साथ जब भी इंटीमेट होते हैं, तो ये पर्सन का ऐसा है कि इनका इनको जॉब में या करियर में या फाइनेंस या इनका कोई रुका हुआ काम इनका पूरा हो जाता होगा, यानी कि आपसे इंटीमेट होना इनके लिए एक फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, और ये शायद आपको बताया नहीं होगा, ठीक, आपने नोटिस किया होगा, आप याद करो कि आपसे आप जब जब इंटीमेट हुए हो इनके साथ, जब भी सेक्सुअल रिलेशन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाया है, तब तब आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ग्रोथ मिली होगी, ठीक, और ये पर्सन ये नोटिस किया इस पर्सन ने, और इस नोटिस को इस पर्सन ने बताया नहीं है आपसे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है इनके लिए लकी हो, ठीक, आप इनके लिए लकी हो, जब भी आप इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे तब तब इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ये पर्सन जानते हैं, ये फीलिंग्स हैं इनकी, इनके हिडन फीलिंग्स हैं ये आपको कभी बताएंगे भी नहीं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ या ये हुआ है वो हुआ है या होगा, है ना। ये पर्सन के अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, स्ट्रेस में जी रहे हैं ये पर्सन, दिन रात स्ट्रेस में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान, जब कोई भी इंसान, देखो ये एक तरीके से जो है ना मैं कहूँगी कि नेचर का ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जब भी टेंशन में होंगे, जब भी इनको फ्रस्ट्रेशन होगी, तो ये पर्सन ज़्यादा जो है ना सेक्सुअल रिलेशन बनाना,
पसंद करते हैं, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना इनको एक यही लगता है कि अगर आप टेंशन में हो, अगर आपका मन परेशान है, ठीक है, अगर आप थक गए हो, तो एक जो होती है ना कि हाँ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ये सारी चीज़ें कहीं हद तक ख़त्म होती हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर इसलिए भी आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। टेंशन को फ्री करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कभी कभी आदमी जो है बेवजह भी टेंशन ले लेता है, तो आपके पार्टनर भी लगभग उसी में से हैं कि बेवजह टेंशन ले लेते हैं। और आपको जब आप जब इनके सामने सच सवर के जाते हो गए, तब तो इनके कहो मत, है ना, इनका कहो मत, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप जब इनके सामने पूरा फुल मेकअप करके जाओगे, एक क्वीन की तरह जाओगे, अपने आप को सजा कर इनके सामने जाओगे, तो इनसे जो है ना, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को रोक पाते होंगे। यहाँ पे जो है ये पर्सन को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि यार आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो, है ना, आपके पीछे तो बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे। और इनको इनसिक्योरिटी भी फील होने लगती है, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है इनसे दूर हो गए, है ना, तो क्या होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है चीज़ें, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन भी दिख रहा है, जिसमें नोक झोंक हालांकि होती रहती है, नोक झोंक तो हर रिलेशन में होती है, बट आपके भी रिलेशन में होती है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों के बीच में यही सेक्सुअल रिलेशन के को लेकर के ही आप दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन पागल है आपके लिए, पागल हैं, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि ये मुझे बस यूज़ कर रहा है इसी के लिए, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन के लिए यूज़ कर रहा है या यूज़ कर रही है, सिर्फ फिज़िकल होना ही इसका मोटिव है और कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके एडिक्ट हो चुके हैं, यानी कि इनको फिज़िकल रिलेशन किसी और से नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप से चाहिए, किसी और में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ आप में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका नशा इनके सर पे चढ़ के बोलता है, ठीक। आपके साथ जो इन्होंने इंजॉय किया है, जो भी आप दोनों के बीच में ये सेक्सुअल रिलेशन बना है, वो यादगार रहा है और वो यादगार रहेगा। आपके पार्टनर उस दिन को, उस पल को नहीं भुला पाते हैं जब आप दोनों इंटीमेट हुए होंगे, और जिस दिन मतलब एक होता है ना कि स्पेशल मोमेंट बच जाता है, तो वो स्पेशल जो है ना टाइम ये पर्सन नहीं भुला पाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मतलब वो भुलाने लायक है ही नहीं, तो क्या भुलाएंगे ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखता है, और ज़्यादातर आप दोनों की लड़ाई सेक्सुअल बातें करने पे या सेक्सुअल होने पर होती होंगी, ठीक। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि ये पर्सन आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन चाहते हैं कि ठीक है, प्यार है, लेकिन मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, ये इनका है, इनका अलग सा एक अपना रूल हो सकता है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ये औरों के साथ भी जाता होगा, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है। ज़्यादा देखो, ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें होने लगती हैं ना, तो हमें लगने लगता है कि कुछ तो गलत है, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा होने भी नहीं देना चाहिए किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके ऊपर, इतना भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। पता है, जब नशा नहीं मिलता है ना किसी को, तो क्या करता है, नशा ढूंढने लगता है, ठीक। नशा, जब तक उसको वो नशा ना मिले जो उसको चाहिए, तब तक उसके लिए पागल हुआ रहता है, ठीक है। तो किसी को इतना ज़्यादा भी नशा नहीं करना चाहिए जो कि आपके पार्टनर करते हैं, यानी कि आपकी नशीली आँखों में, आपकी बातों में ये पर्सन डूब जाते हैं, पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और ये पर्सन का वही वजह है कि ये पर्सन आपके साथ वो कनेक्शन बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। अब आपको तय करना है कि ये पर्सन के साथ आपको रहना है कि नहीं। मैंने तो बता दिया कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, आपके साथ सेक्सुअली बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे करना है, इनकी एक ज़िद है, ठीक है, इनकी ज़िद है, मुझे ये दिख रहा है कि इनकी ज़िद है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं
अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को? देखो, मैं खुल के नहीं बोल सकती, आप खुद सोच लो, ठीक है, खुद सोच लो कि कैसा होता है फिजिकल रिलेशन, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही ये पर्सन जो है ना विजुअलाइज करते हुए, सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये रही आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।